काफ़ी कमजोरी दिखाई दे रही है। टाइटन के Q1 नंबर थोड़े से नरम आए और बड़े हाई वैल्यूशन की बात कुछ कुछ रिपोर्ट्स कर रहे हैं। नतीजों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO अशोक सुंथलिया। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। इस बार हमने देखा कि आपके ज्वेलरी के जो मार्जिन्स थे वो लोएस्ट लेवल्स थे, 9 क्वार्टर्स के लोएस्ट लेवल पे थे। ऐसा क्या जबरदस्त प्रेशर आ गया इसमें? आप अभी भी अपनी मार्जिन गाइडेंस को मेंटेन करेंगे? आपको लगता है कि ज्वेलरी मार्जिन अब 12 से 13% में रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए रह सकता है? जरा समझाइए। नमस्कार और धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। आपके दर्शकों का नमस्कार। इसी हमारा जो 12 से 13% ज्वेलरी सेगमेंट का गाइडेंस है वो पूरे साल के लिए है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीजनैलिटी होती है ज्वेलरी बिजनेस में और उसके चलते मार्जिन प्रोफाइल और सभी क्वार्टर के थोड़े अलग अलग होते हैं। बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन पहले क्वार्टर में अक्षय तृतीया के चलते गोल्ड बाइंग ज्यादा होती है, कॉइन्स बाइंग भी होती है, उसके चलते मार्जिन। एंड जो वेडिंग्स होती हैं वो लगन मार्केट हम बोलते हैं, जो कि ईस्ट इंडिया और मिड भारत की वेडिंग सीजन होती है, जहाँ पे अगेन गोल्ड का ज्यादा बोलबाला होता है। और आपने देखा होगा Q1 में हमने वेडिंग में 26% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि डिविजन 19 से 20% की ग्रोथ पे है। तो वो प्रभाव पड़ता है मार्जिन पे। Q2 में हम जहाँ पे डायमंड ज्वेलरी पर ऑफर और नए नए कैंपेन करते हैं तो आप देखेंगे Q2 की मार्जिन बेहतर रहेगी Q1 से। सो ओवरऑल FY24 का हमारा मार्जिन गाइडेंस फॉर ज्वेलरी बिजनेस अभी भी 12 से 13% के ही बीच में है। अशोक जी, जून में तो थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी है, डिमांड के अंदर आते हुए दिखी है। अभी का सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि इसी क्वार्टर में एक अधिक मास भी है और आगे आप 20% ग्रोथ की जो अपनी बात है उस पे अड़िग रहेंगे? तो एग्जैक्ट नंबर पूरे साल के लिए देना मुश्किल है अभी, लेकिन हाई टीन डिजिट ग्रोथ नंबर पॉसिबल लग रहा है हमें। अधिक मास पिछले साल भी रहा होगा, तो अगर बेस सेम है और बेस सिमिलरली अफेक्टेड है तो हम Q2 में भी Q1 की तरह ग्रोथ नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जुलाई हमने बोला था कल के अपने कॉल में दैट जुलाई हैज बिन एज गुड एज Q1। सो एंड हमारा जुलाई के एंड में एक्टिवेशन डायमंड ज्वेलरी पे शुरू हुआ है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस बार बहुत अच्छे कैंपेन हमने लॉन्च किए थे, न्यू डिजाइन कैंपेन लॉन्च हुए थे जून के एंड में डायमंड ज्वेलरी में, जो कि अब जुलाई में आगे जा रहे हैं। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे काफी इन्वेस्टमेंट हमने किया है। जून में हमने गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम पे काफी इन्वेस्टमेंट किया था, अट्रैक्टिव गोल्ड एक्सचेंज स्कीम्स थी। तो सब मिला के और GHS जो हमारा गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम होता है उसके इनरोलमेंट और रिस्पांस को देखे, क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेशन है दैट कस्टमर वांट्स टू बाय आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ व्हेन दे स्टार्ट द इनरोलमेंट। सो ये सब इंडिकेशन तो सजेस्ट कर रहे हैं कि FY24 अच्छा ही रहना चाहिए और हम ग्रोथ जो नंबर हमने Q1 में दिया है ओवरऑल ईयर के में भी उसके आसपास डिलीवर कर पाना चाहिए हमें। ऑलराइट, बिल्कुल अशोक जी। हमें एक और चीज़ समझनी है, क्योंकि जो आपकी जो स्टडेड पोर्शन है वहाँ पर थोड़ा सा उस सेगमेंट में कहीं ना कहीं आपके जो जो मार्जिन्स है वो भी फ्लैट रहे हैं, जो 26% Y&Y वहाँ देखने को मिला है। क्या ये ट्रेंड है थोड़ा सा लोअर डिमांड में, कहीं ना कहीं जो स्टडेड ज्वेलरी है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है? बहुत मार्जिनल फर्क पड़ सकता है। अभी तक जैसे जुलाई महीने में हम अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं हमारे डायमंड कैंपेन्स का, लेकिन कोई बहुत मेजर डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का जो प्रोपोर्शन है ऐसा मुझको नहीं लगता है। और हम उस पर बहुत फोकस भी नहीं करते हैं। हमारा काम है कि कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड डायमंड ज्वेलरी को हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारा कोई इंटरनल टारगेट नहीं है कि ज्यादा डायमंड करना है और कम गोल्ड करना है। हर कैटेगरी इम्पॉर्टेंट है, हर कस्टमर इम्पॉर्टेंट है, एंड सो हर कैटेगरी पे फोकस है। उनकी टीम्स हैं अपनी जो कि मैक्सिमाइज करने का कोशिश करती हैं।
ये आउटकम रहेगा, मुझको लगता है कि प्री पैंडेमिक लेवल पे हमारा स्टडेड रेशियो आ जाना चाहिए ग्रेजुअली टुवर्ड्स क्लोजर टू 30%। दैट वाज द नंबर जो कि FY24 में मुझे उम्मीद है कि स्टडेड का रेशियो रहेगा। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं जब अगली बार मुलाकात होगी तो नंबर और बेहतर आते हुए देखेंगे और आपकी मेहनत भी रंग लेके आएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।